मैं मानता हूं कि विपक्ष, सत्ता पक्ष सब परेशान है। सबने वो तस्वीरें देखी हैं जो तस्वीरें कोहराम मचाती हैं। सब जान रहे हैं कि एमएसएमई की कमर टूट चुकी है। सब जान रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र बहुत ब्लीड कर रहा है। सब जान रहे हैं कि अगर हमने मेजर इंटरवेंशन नहीं लिया तो इसके परिणाम महामारी के परिणाम से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा विपदा वाले हो सकते हैं। मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि ये वक्त है जब सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री जी को दलीय दायरों से ऊपर उठ करके एक 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 लार्जर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जिनके भी जो आइडियाज़ हैं। निर्णय तो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को लेना है, लेकिन आइडियाज़ इनवाइट किए जाएं और वो उस तरह का एक फोरम विकसित किया जाए ताकि हम मैं समझता हूँ जल्दी उबर पाए। सर, आरबीआई से जानकारी मांगी गई थी जो लोन डिफॉल्टर्स हैं उनके बारे में, और आरबीआई ने जो जवाब दिया है 68,600 करोड़ रुपये का लोन है, और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम भी बताए हैं जिनमें कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का नाम है। अब इस पर भी राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है। आरबीआई के पर निश्चित तौर से जो सरकार है वो निशाने पर है। राहुल गांधी ने कहा है शायद इसीलिए सरकार लिस्ट जारी करने से बच भी रही थी। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि हम एक अजब सी परिस्थिति में, बड़े रसूखदार लोग कुछ भी कर बैठे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये नीति और ये नीयत दोनों बदलनी होगी। वो लोग जो सवाल खड़े करने लगते हैं कि 500 और 1000 रुपए क्यों, क्या जिस गरीब ने श्रमदान किया हमारे शहर को बनाने में, पुलिया को बनाने में, क्या उसको इससे ज्यादा हक नहीं मिलना चाहिए था? उस वक्त ये जो नव उदारवाद के पैरोकार हैं अलग अलग जगह बैठे हुए, वो कहते हैं ये वेलफेयर स्टेट एक बोझ है, ये लोग बोझ हैं, और दूसरी तरफ लोन डिफॉल्टर्स के लिए कुछ नहीं। 68 पर कितने शून्य लगे कोई चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ ये प्राथमिकताएं हमें बदलनी होंगी। एक बार हम इस महामारी से निकले ना, हमें अपनी अर्थनीति इस प्रकार की करनी होगी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सर, आपके को मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 5 महीने का समय बीत चुका है और उनके पास बहुत कम समय है जब वो विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य बने, और इसको लेकर के अब राज्यपाल को बार बार चिट्ठी लिखी जा रही, दूसरा रिमाइंडर विधानमंडल की तरफ से भेजा गया है, राज्यपाल को क्या कहेंगे? मैं तो सीधे तौर पर समझ रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है महामहिम राज्यपाल जी क्या चाहते हैं। एक संवैधानिक संकट हो, एक राजनीतिक संकट हो, जब राज्य और राज्य के मुखिया महामारी से लड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये सहकारी संघवाद का ये चेहरा कहीं से भी उचित नहीं है। आपको ईज करना चाहिए राधर देन डिलेइंग विच माइट अमाउंट टू डिनाइंग। मतलब मैं नहीं समझता कि इतिहास में ये चीजें कैसे दर्ज होंगी। सर, हमारे से लड़ने के कई सारे तरीके हैं, इलाज हो रहा है। इस बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि तमाम जो चीजें की जा रही हैं उसके साथ साथ योगा, म्यूजिक, ताली बजाना इत्यादि इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं उनको भी करवाई जाए जिससे कि फायदा हो सकता है। ये कौन से फायदे की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? क्या फायदा? जब प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाने को कहा था तो सॉलिडारिटी के लिए कहा था, हेल्थ वर्कर्स के लिए, ये नहीं कहा था कि घर में बैठ के ताली बजाते रहिए। योग ठीक है, योग अपने आप में शरीर के लिए बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री से और गंभीर सुझाव की आवश्यकता होती है, इसे मैं और गंभीर की श्रेणी में रखूंगा। सर, बीते हफ्ते पालघर पीट करके हत्या कर दी गई थी, इसके बाद बुलंदशहर से भी ऐसी ही घटना आई है, 2 साधुओं की हत्या कर दी गई है, उनकी गला काट करके हत्या की गई। अब इस पर राजनीति गरमा गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी बात की है, तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, उन्होंने बात की, एक राज्य के मुखिया दूसरे राज्य के मुखिया से ये बात करके कह रहा है कि आप जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करें। जैसे वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, पूरा विमर्श को जो में रसायन जो जिस प्रकार का ढूंढा जा रहा था, उद्धव जी और उनकी सरकार ने वो रसायन मिलने नहीं दिया। अब बुलंदशहर अपने आप में, देखिए मूलतः ये बात है जो लगातार आपके माध्यम से और मैंने सदन में भी कहा, ये जो एक भीड़ बनाई गई है बीते कुछ वर्षों में, इस भीड़ को राजनीतिक और वैचारिक खुराक गाहे बगाहे मिलती रहती है। ये भीड़ समझती है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भीड़ कभी झारखंड में किसी और को लेती है
उत्तर प्रदेश में किसी और को लेती है, अब उत्तर प्रदेश में किसी और को लेती है, भीड़ सभ्यताओं को खत्म कर जाती है, तो व्यक्ति, राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं है, इस भीड़ को खत्म करना होगा। सर, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, कोरोना संकट के बीच में अलग अलग राज्यों में कुछ तो कई सारे लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे कामगार हैं, साथ में कुछ राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य जहाँ से कि भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो है दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं, अब उनके संकट को लेकर के भी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा है। बीजेपी के नेता एमपी हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए। देखिए, मेरा मानना है कि ये बात शायद प्रथम दिन से लॉकडाउन के हम कह रहे हैं। मेरे नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कहा कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम करेंगे, क्योंकि आप दोहरे चरित्र के साथ नहीं चल सकते। जब प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो ये जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है, प्रवासी मजदूर, जहां वो काम करते हैं वो ठिकाना है, घर नहीं है, उनके लिए भी घर एक अवधारणा है जहां विपदा के समय पहुंचना चाहते हैं। तो आपने कहा कि ना, कोटा के अलावा अलग अलग राज्यों में जो बिहार के छात्र हैं, क्या उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए थी? उनका रसूखदार लोगों के बच्चे तो आ गए, आपके नाक के नीचे से आ गए, तो ये चुप्पी और ये कहना लॉकडाउन, कि लॉकडाउन का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, इतनी सैक्रोसैंक्ट चीज नहीं होती है। कई लोग तो बिना आपकी इजाजत के भी पहुंच गए, शायद आपकी इजाजत के साथ पहुंच गए। मेरा मानना है कि भाजपा के सांसद भी थोड़ा लेट जा गए। हम बीते 3-4 हफ्तों से ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये कहना, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो किया, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई स्ट्रिक्चर पास हुआ कि आपने ये गलत किया? तो इसको ढाल की तरह इस्तेमाल करने के बावजूद नीतीश जी इन सवालों से नहीं बच पाएंगे। सर, जेएनयू में इन दिनों अब तेजी से जोर पकड़ रहा है और वो विमर्श है कि जेएनयू में ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप का जो की शिक्षा जो है रामायण के थ्रू देने की तैयारी चल रही है जेएनयू में, और उसको लेकर के कुछ छात्रों का विरोध है, क्या कहेंगे सर? मेरा सीधे मानना है, कोरोना पेंडेमिक में वक्त में अगर इस तरह की चीज विमर्श की जरूरत आन पड़ी है तो मेरी समझ में आ रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे मानना है, क्या रामायण को प्रोग्रेसिव नज़रिए से नहीं पढ़ा गया है? या लोग जानते नहीं हैं? ये जो इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में ना जाने कौन से लोग सलाहकार कि कहाँ विमर्श को ले जाओ, मुझे तो सलाहकारों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न। सर, एक आखिरी सवाल है सर, दिल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन जफरुल इस्लाम साहब ये अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे कि विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार इन्होंने न सिर्फ जाकिर नाइक की तारीफ की है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर कोई कट्टरवादी सोच वाला हिंदू ये सोचता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और अरब जगत या दूसरे जो मुस्लिम है वो चुप बैठेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये तमाम बातें उन्होंने कहा। देखिए, उन्होंने 2-3 चीजें कही, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि उनकी प्राथमिकताएं ही स्पष्ट नहीं है उनको। अरे, हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ी जाति का हो, ये आईन हमें दिया है, इन लोगों ने संविधान दिया है, इस संविधान से लड़ेंगे। अंधी गुफा होने का बोध होता है, लेकिन ये लड़ाई कहीं और नहीं जाएगी। इस तरह की जुबान किसी को आवश्यकता नहीं है। हम प्रगतिशील समाज बनाने के लिए लड़ेंगे, कभी कभी झटका मिलेगा, फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, क्योंकि ये देश आईन से चलेगा, ये जमहूरियत, इसके पीछे आईन है बाबा साहब का। मैं समझता हूँ आज तक कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ाई कंधे से कंधे मिला के लड़े, हिंदुओं के साथ लड़े, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं लड़े। ये इस मिट्टी का की खासियत है। शायद जफरुल इस्लाम साहब, उनको इस खासियत को समझते हुए इस बयान को ले लेना चाहिए वापस।